कुछ कोर्स निकाल रहे हैं जिसमें एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल कंपाउंड है जो 2 साल का रखा है, और डिप्लोमा ऑफ कंपाउंड हर्बल ये भी 2 साल का कोर्स रखा है, और BEMS बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी ये 3 साल का। इनमें 6 महीने का इंटर्नशिप जरूरी है और प्रैक्टिकल लेना भी जरूरी है। हमारे यहाँ पर जो भी क्लासें चल रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसके साथ जो ऑनलाइन चल रही है उन लोगों को हम कहेंगे कि आप 10 दिन की हमारी रेजिडेंशियल क्लासें अटेंड करेंगे और उसके साथ साथ ही प्रैक्टिकल भी आपको करना होगा हमारे अनुसंधान केंद्र में। तो हम ये जितने भी कोर्स करवाने जा रहे हैं इनमें हमारा सनराइज यूनिवर्सिटी से एफिलाइट किया हुआ है, जो कि हम वहाँ से सब कुछ रख करके और बाकी प्रैक्टिकल होगा और लेक्चर होगा ये हम खुद अपने तरीके से उसको मेंटेन करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि हम गरीब बच्चों के लिए, जो बच्चे सक्षम नहीं हैं इन चीज़ों को करने, पैसा लेने के लिए, उनकी भी सहायता के लिए हम ये इसमें कोर्स में उनको भी हम दाखिला देंगे। साथ ही हमने गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग हॉस्टल की भी सुविधा रखी है। तो ये सब कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हम आगे भी हमारे कैंप जो है अच्छे से चलने के लिए भी हमने और अच्छी हमारे रूल्स को स्ट्रॉन्ग करके अच्छी तरह से हम चलाएंगे। बाकी आगे की नवीन जी इस कैंप के बारे में बताएंगे, जो 2 दिन का क्या इनका अनुभव रहा और पेशेंटों का किस तरह से क्या इन्होंने डील किया और किस तरह की व्यवस्था इन्होंने की इसके लिए। डॉक्टर नवीन जी सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा ये कैंप का 2रा दिन था और हमारा ये दिन बहुत अच्छा गया है। हमारे कैंप में टोटल 150 से अबव मरीज हमारे यहाँ पर आए और उन्होंने हेल्थ चेकअप के साथ साथ मेडिसिन का बेनिफिट उठाया। यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर जॉइंट पेन और महिलाओं में लुकोरिया और बीपी और शुगर के ज़्यादा पेशेंट थे, कुछ पेशेंट अस्थमा के भी थे। तो हम यहाँ पर आके अपनी मेहनत करते रहेंगे और मरीजों को अपनी सेवाएं देते रहेंगे। आगे किशोरीलाल सर बताएंगे। धन्यवाद नवीन सर। जैसा कि बताया नवीन सर ने कि यहाँ जॉइंट पेन और महिलाओं के रोग से संबंधित ज़्यादा पेशेंट आए थे और उन्हीं के सहयोगी डॉक्टर सुखविंदर जी से रूबरू होंगे। डॉक्टर सुखविंदर जी जैसे वात के रोगी और चेस्ट कंजेशन अस्थमा इस प्रकार के पेशेंट देखे, काफ़ी 2 दिन का कैंप था हमारा, काफ़ी अच्छा गया है। 150 से ऊपर पेशेंट देखे हमने, और जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर के बीपी के इस प्रकार के काफ़ी पेशेंट आए और हमने अच्छा जैसे अपनी तरफ से पूरा ट्रीटमेंट दिया, डाइट वगैरह सुगर सब कुछ समझाया उनको, फॉलो करने के लिए कह दिया सबको अच्छी तरह से, और बाकी अच्छा कैंप रहा हमारा। डॉक्टर सुखविंदर जी अब आगे अनु जी अपना 2 दिन का अनुभव शेयर करेंगे। इन्होंने डिस्पेंसरी और पेशेंट दोनों का इन्होंने देखा है,
क्या इनका अनुभव है? मेरी तरफ से सबसे पहले सबको नमस्कार। हमारा ये कैंप 2 दिन का था, इसमें हमने अलग अलग तरीके के पेशेंट देखे। यहाँ का वातावरण भी अलग है, लोगों में बीमारियाँ भी हैं, तो काफ़ी पेशेंटों में हमें अलग अलग तरीके की बीमारियाँ देखने को मिली हैं। हमने यहाँ लोगों को उनके अनुसार ज़्यादा बेनिफिट दिया है, अपनी तरफ से दवाइयाँ दी, उनका हेल्थ चेकअप भी किया। अब 1 हफ्ते के बाद उनके रिजल्ट आने शुरू होंगे, तब हमें पता चलेगा लोगों पर कितना असर हुआ या कितना नहीं। आज का हमारा कैंप सक्सेसफुल रहा, उसका लिए पूरी टीम मेंबर को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको मिलाता हूँ एक हमारे बहुत प्रेशर डॉक्टर के रूप में काम कर रही हूँ डॉक्टर। सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार। पहले मेरा सबको नमस्कार। मेरा आज कैंप में 2रा दिन था, जो कल भी मैंने कुछ ना कुछ सीखा था, आज भी सीखा है। आज मैंने मेडिसिन बनानी सीखी, कल मैंने देखी थी, आज बनानी सीखी, कि कई होगी तो बना के भी थी। थैंक यू। हमारे सहयोगी डॉक्टर राहुल जी, ये उन्होंने भी बहुत उत्सुकता से काम किया। सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। जैसे कि मैं SMKT में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये मेरा पहला कैंप था, तो मैंने इधर देखा कि किस तरह के मरीज आते हैं, क्या बात करते हैं, उनके हिस्ट्री, उनका हाव भाव सब कुछ देखने को मिला और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ इधर आके। और आगे भी मैं कैंपों में जाता रहूँगा और ऐसे ही लोगों की हेल्प करता रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। अब हमारे सामने राहुल जी हैं, जो कि SMKT में अनुसंधान केंद्र के जितने भी क्षेत्रीय प्लांट है उनका संरक्षण कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, रोपाहन कर रहे हैं। उनके क्या भी हैं सुनिए आप। हेलो, मेरी टीम डॉक्टर को क्या नाम है SMKT से हूँ मैं। मेरा नाम राहुल है और मैं SMKT का स्टूडेंट हूँ। और क्या नाम साथ के साथ में मैं वहाँ पर क्या नाम है अनुसंधान केंद्र के उसमें कार्य भी कर रहा हूँ। और क्या नाम मेरी जो डॉक्टर टीम है SMKT से है, सभी को मेरा नमस्कार है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या नाम है कार्य जो स्टार्टिंग होता ना, सबसे पहले उनकी नींव अच्छी होनी चाहिए। और हमारे पास में हमारे जो सर है ना, वो सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी की नींव अच्छी होगी ना, तो क्या नाम है उसके लिए ना क्या नाम आगे दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, हमारे सर बिल्कुल अच्छे हैं और अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ये बार बताते हैं कि क्या नाम भाई ये ऐसी औषधि है, ये इस चीज़ में काम आएगी, ये इसमें इस चीज़ में प्रयोग होती है, मतलब इस बीमारी में काम आएगी। और जैसे कि क्या नाम ये मेरा 3रा कैंप है और जी इसमें मैंने सीखा क्या नाम पेशेंट को चेक करना भी सीखा और मेडिसिन बनानी भी सीखी इसमें जी। जैसे पेशेंट आए तो उनसे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे उन्होंने अपने बारे में बताया क्या बीमारी है उनको, ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई, तो उसी हिसाब से हमने उनका क्या नाम है ट्रीटमेंट किया उसी हिसाब से। ठीक है। हमारे सामने डॉक्टर रिंकी श्रीवास्तव, जो फील्ड इन्होंने फील्ड में रह करके इतने उत्सुकता दिखाई कि जागरूक किया लोगों को, घर घर जा करके लोगों को जागरूक किया और उनको यहाँ कैंप तक आने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने हमारे जितने भी हम कोर्सेज निकाले उनके बारे में भी इन्होंने बताया, तो ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए जानी जाती है।
डॉक्टर जिनकी श्रीवास्तव। यहाँ पे हमारे दो दिन का कैंप था। दो दिन में जितने भी जैसे हमने यहाँ पे रोगी देखे और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को देखे, यहाँ पे जिस तरीके का रोग है, मैं तो बस इतना कहूँगी नवीन सर को, नवीन सर यहाँ पे आप रह के सभी को सेवा करें और सेवा भाव से सभी का रोग का निवारण करें। अपने क्षेत्रीय प्लांटों से अपने SMKD का नाम आगे बढ़ाते रहें और जितना ज़्यादा हो सके इसमें स्टूडेंट को आगे का उत्साहित करें। जो जो बच्चे कर नहीं पा रहे हैं कुछ आगे के लिए, उनके कोई काम नहीं है, तो हम इसमें काम भी करवाएंगे और काम भी देंगे और सिखाएंगे और पढ़ाएंगे भी। अब अंत में SMKD के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब डॉक्टर रोहिल साहब, प्रोफेसर और रिसर्चर जो रात दिन लगे रहते हैं, इनका पता ही नहीं रहता है कि रात को कब लैब में जाते हैं और कब कितने बजे वापस आते हैं, या कभी कभी तो वहीं, ऐसा सुनने में आया कि कभी कभी तो ये वहीं वहीं सोते ही जाते, वहीं और सुबह उठ करके आते हैं। अब ये कहने को तो कहते सो जाते, मगर इनका कह नहीं सकते, ये पूरी रात जग करके वहाँ रिसर्च करते रहते हैं और फिर दिन में भी इनको ऐसा लगता है कि काम करते हैं, पेशेंटों को देखते हैं, बिल्कुल भी इनके फेस पर ऐसा थकावट का ऐसा कोई भाव नज़र नहीं आता, ये हंस मुख रहते हैं और थकान का कोई, और जब कोई इनके सामने बोल सर आपने इतना काम करने के बाद, ये कहते हैं काम क्या, ये तो हमें करना ही है और करना भी चाहिए, थकान को कुछ नहीं आता, ये काम करो बस। तो इसी उद्देश्य से हम डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हुए हैं। अब आगे डॉक्टर साहब का आशीर्वाद स्वरूप हम धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब गुरु जी, तो ये हमारा जैसे 10वां जो ये हमारा सेंटर बना है SMKD का, जैसे हमने इसकी एक होती है सभी की रूपरेखा, तो हमने जिस तरीके की रूपरेखा रखी थी उसे अधिक जो है डॉक्टर नवीन ने की है। यहाँ खाने पीने की सभी डॉक्टर की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी रही और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक समानता, कि किसी को भी यहाँ छोटा बड़ा काउंट नहीं किया गया कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। और जहाँ पर सीनियर जूनियर ये जो दो शब्द जो आ जाते हैं वहाँ कोई भी सीढ़ी चढ़ नहीं सकता, तो यहाँ सभी क्या है बिल्कुल समानांतर तरीके से रहे, समानांतर बैठ कर आराम से खाना खा, एक दूसरे की किसी भी कोई भी फीलिंग ये नहीं रही कि मैं सीनियर मैं जूनियर, वो जो जैसे हम सिखाते हैं उसी पर ये पूर्णतः उतरे। बहुत ही अच्छा जो कार्य किया है ये बताए 150 से एबो जैसे ने पेशेंट देखे, क्योंकि मैं प्रेजेंट जरूर रहा परंतु मैंने कोई पेशेंट नहीं देखा, क्योंकि जब तक किसी बैल को कांध लानी होती है तो जुआ उसी पे रखा जाता है। तो इनके पास मैं एक प्रेशर बन के भी इनके ऊपर नहीं बैठा, तो मैं अपना फील्ड का जो वर्क था, यहाँ की जितनी औषधियाँ थी, मैं दो दिन तक किसी के अंदर लीन रहा। तो मैंने इस क्षेत्र के अंदर एक चीज़ देखी कि क्षेत्र के अंदर बच्चे बहुत हैं, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, परंतु मैंने कुछ से बच्चों से बात भी की, तो इस तरीके से जैसे हमने अपना SMKD का जो एक हमने कोर्स न्यू जैसे डिजाइन किया, न्यू का मतलब होता है कि एक नए तरीके, जो नई एक टेक्नीशियन टेक्निकल दूसरी न्यू रिसर्च, जैसे ये हमारी पत्ति आज की नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है, परसों पुरानी है, अभी इसमें आज काम नहीं कर रहे हम, तो पहले भी इसमें काम करके फिर दोबारा आए हुए सभी, यानी कि हम सभी बैठे हुए आज मिले नहीं, पहले भी ये टीम काम कर चुकी है इन औषधियों में। तो हमने इसको एक कोर्स को डिजाइन करके
हम सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर के अंदर है, उसमें हमारा एक एडवांस इलेक्ट्रोपैथियन कंपाउंड हर्बल का जो है कोर्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमारे जितने भी क्षेत्रीय प्लांट हैं उनका ही सभी का एक्सट्रैक्शन आप यूज करते हैं। देखो पहले भी हम यूज करते थे, किसी को भी आपको सूजन आ गई लीवर में, डॉक्सिया हो गया, कुछ भी है, तो आप थोड़ी मको ले लीजिए थोड़ी बाढ़ के और आपको पॉइजनिक है फूड का, ये सब खत्म हो जाए। पर तो क्या लेने के लिए वो क्या करते थे, उसको जैसे उसकी सब्जी बना ली उसका पानी पी लिया। पर हमने इसको एक न्यू टेक्निक के साथ, एक रिसर्च के साथ, कि इसके प्रीहार प्लांट के अंदर को ये देखा, इसके अंदर कोई भी पॉइजनिक तो नहीं है, कोई ऐसे कंट्राजिशन तो नहीं है जो ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान हो। जैसे हमने इसमें लगभग 18 से 20 वर्ष समय इसमें अनुसंधान के अंदर में वर्क कर दिया, तो अभी एक समय आया कि हम इसके अंदर सभी बच्चों कन्यों को जोड़ें और इसको और आगे बढ़ाएं, जबकि हमारे पास में ही है, उसका कोई भी उसको मूल्य नहीं समझता। तो पास वाले सभी हमने कंपाउंड हर्बल उसका नाम दिया। कंपाउंड का होता है कि मिश्रित औषधि, तो इसी में हमने एक कंपाउंड के साथ मिश्रित के साथ हमने इमोशन को जोड़ा, उसके भाव को जोड़ा। तीसरा इसमें हमने नैनो न्यूट्रिशन को जोड़ा, जो आज के अंदर माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आई हुई है, सभी को क्या कहते हैं विटामिन B12 की कमी, सभी को विटामिन D3 की कमी, कैल्शियम की कमी है, जबकि हमारे तो प्लांट कैल्शियम विटामिन B12 से भरपूर है, परंतु देखने वाला हूँ। यहाँ मैं थोड़ी दूरी पे गया हूँ, वहाँ पर इतने न्यूट्रिशन प्लांट है, आप देखकर तो आश्चर्यचकित रह सकते हो। एक तो अकेला एक किडनी जैसा ही प्लांट पानी के अंदर वर्क करता हुआ मिले, जो कि सभी न्यूट्रिशन को रोकता अपने अंदर और जो विजितीय होते हैं न्यूट्रिशन को फेंकता, ऐसा हमने यहाँ पर एक प्लांट देखा। देखो प्रकृति ने कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर प्लांट बनाए हुए हैं। तो इसी तरीके से मैं ज़्यादा ना बोल के यही विराम देता हूँ। तो हमने जो ये दो कोर्स स्टार्ट करते हैं किए हैं, तो ये बहुत ही अच्छे हैं बच्चों के भविष्य के अंदर, ये जैसे कोई स्टडी भी करता रहे अपनी और साथ साथ में इन कोर्सों को भी करें, पार्ट टाइम में भी आप यदि इनके स्पेसिफिकेशंस का यूज करें अपने घर में, तो कोई भी रोग आपके घर में नहीं रहेगा। तो इस तरीके से इतनी ना कोई सोचने की जरूरत, ना कोई इसके अंदर साइड इफेक्ट है और आराम से इन औषधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ से लगभग 3-4 स्टूडेंट हमारे अनुसंधान केंद्र से जुड़े हैं, तो अब धीरे धीरे हम इसको और आगे लेके जाएंगे। तो और भी हमारे ऐसे सेंटर होंगे और जितने भी हमारे अनुसंधान केंद्र से बच्चे जुड़ेंगे तो उनको 100% जो वर्क दिया जाए वो मैंने कल भी बताया, यानी कि सबको जॉब वर्क मिलेगा, SMKD उनको जॉब देगा और कार्य देगा जो हमारे अनुसंधान केंद्र से जो बच्चा जुड़ा रहेगा, नहीं तो अपने फील्ड में वो अपने आप हमारे से भी अच्छा आगे आने वाले समय में माहिर होगा। मैं यही विराम देता हूँ। ओम गुरु जी, अभी आपने सुना एक रिसर्चर क्या कहता है, हमें एक पाठ पढ़ाया इन्होंने कि भाई समानता का, हम सब लोग एक समान रह करके किसी पद का अभिमान न करके, और ये भी देख करके हम डॉक्टर हैं क्या है, सब कुछ सारे काम हम अपने हाथ से लाना करना पीना बांटना ये सब कुछ करते हैं, तो यानी कि छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम सभी हमने किया समानता का। और दूसरा नींबू का डेफिनेशन क्या होती है बहुत ही सरल भाषा में बताया गया, न्यू का मतलब कोई नया करके दिखाना नहीं, न्यू का मतलब ये बताया गया है कि भाई
नए को और अच्छे ढंग से जो ना हमें उसे तैयार करके और अपने अच्छे प्लेटफॉर्म पर उसे अच्छी टेक्निक द्वारा हम उसे तैयार करें और आगे उसको बढ़ाएं। ये नए का मतलब, न्यू का मतलब बताया गया। दूसरा बात, जैसे कि डॉक्टर साहब ने यहाँ क्षेत्रीय प्लांट्स की बात की है और कुछ रोगों की भी बात की है, न्यूट्रिशन की भी बात की है, ये सब चीज़ें तो हम करते रहते, देखते रहते, सुनते ही रहते हैं, इन पे हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हमें इन सब को अच्छी तरह ध्यान से इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्रीय औषधियाँ हैं वो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि वो उसी ऑर्गन के रूप में होती है, यानी कि जैसे सर ने अभी बताया कि किडनी के रूप में ही हमें औषधि मिली, तो इसका मतलब वो किडनी पर काम कर रही है। देखो कितनी ऊंची सोच है सर की, कैसे इन्होंने एक नज़र में ही जो है उसको देगा। इसी के साथ ही मैं ज़्यादा लंबा नहीं आगे बढ़ाता हूँ, प्रोग्राम मैं कहूँगा कि आशीर्वाद स्वरूप दो वचन जरूर पढ़ें। जैसे हमारे साथ डॉक्टर जो किशोरी लाल जी हैं, ये देखो इनका थोड़ा बड़कपन मानो कि इतनी एज के अंदर भी ये हमारे साथ भी समानांतर रहते हैं हमारे सभी स्टूडेंटों के साथ। और दूसरा मैं डॉक्टर नवीन के लिए यही कहूँगा कि ज़्यादा समय न लगा कर यहाँ पर है, हमारा SMKD मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड एक रिसर्च सेंटर यहाँ एक जल्दी ही तैयार हो, ये मैं आशीर्वाद। तो इसको ज़्यादा हम भी समय नहीं लगने देंगे, जितना हमारे पास जितनी होगी हर चीज़ के लिए हम सहायता करके यहाँ पर हम इस इंस्टीट्यूशन को हम तैयार कर देंगे और आने वाले समय में बहुत ही यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों ने इसका काफ़ी लाभ होगा और यहाँ की हम क्षेत्रीय दवाइयों का संरक्षण करेंगे, उनको बचाएंगे, उनके सीड को दोबारा से हम यहाँ जो पहले थी उसको दोबारा से हम जनरेट करें। ओ धन्यवाद दीदी, इतना ही आशीर्वाद आप लोगों के लिए काफ़ी है, इतना ही आपने जो ना, मैं तो ये कहूँगा कि आपका हाथ हम सब पर रहे, होता कि हम आपके निर्देशन में अच्छे अच्छे काम करते रहें, SMKD का नाम करें और लोगों को जो बीमारियाँ दुष्प्रभाव दे रही हैं मेडिसिन उनको दूर करें, ये सब आपकी महानता है और डॉक्टर साहब की महानता है। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम को विराम देते हैं। धन्यवाद सभी को।